टोंक के देवली में पिछले दिनों एक प्रसूता के संक्रमित होने के बाद राहत की खबर सामने आई है। दरअसल प्रसूता के संपर्क में आने वाले 18 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जिसके बाद चिकित्सा विभाग ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि 25 मई को प्रसूता के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद शहर में हड़कंप मच गया, जिसके चलते चिकित्सा विभाग की टीम ने हॉस्पिटल स्टाफ के 3 चिकित्सकों समेत 18 लोगों के सैंपल लिए थे, जिनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। देवली के लिए एक बड़ी रात की खबर है। गत दिनों देवली अस्पताल में दुहना की प्रसूता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्थानीय चिकित्सा विभाग व पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ था। इसको लेकर गुरुवार को चिकित्सा विभाग की टीम ने 3 चिकित्सकों समेत कुल 18 सैंपल जयपुर लैब में टेस्ट के लिए भिजवाए, जहाँ आज उनकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई। इस सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन व शहर ने रात की सांस ली है। इन सैंपलों में 3 चिकित्सक, 10 स्टाफ तथा 5 प्रवासी लोगों के सैंपल शामिल थे। आरआरटी टीम के प्रभारी डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने बताया कि इसके अलावा दूनी आवास क्षेत्र के 10 प्रवासी लोगों के भी सैंपल टेस्टिंग के लिए भिजवाए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी पेंडिंग पड़ी है। वहीं दुआला की जो प्रसूता महिला टोंक में भर्ती है, उसकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तीसरी बार महिला की रिपोर्ट की जांच की जाएगी। इसके बाद अगर महिला की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव पाई जाती है तो उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। मनीष बागड़ी, A1 TV न्यूज, देवली, टोंक।